हेलो हेलो हेलो, हाय गाइस, हाउ आर यू, व्हाट्स अप। और आ गए हम लोग फिर से मंडे को, संडे और सैटरडे को छोड़ के, है ना, एंजॉयिंग डेज तो निकल गए, अब फिर से हमारे पास है मंडे, किलिंग मंडे। लेकिन हमें अब जो वीक है उसका पूरा बेनिफिट लेना है, पूरा फायदा उठाना है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि मंडे टू फ्राइडे इस वीक में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को भी खत्म कर दें, ठीक है। सो शैल वी गाइस स्टार्ट, हम लोग शुरू कर सकते हैं क्या? तो लास्ट टाइम तक हम लोग यहाँ पर एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन का डिफरेंस पूरे पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे चल रहे हो। अब जो चैप्टर आने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अब आगे वाली चीजें लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आप लोगों को फोकस करना है। सो आज के टॉपिक आप लोगों को ध्यान से देखने हैं। सो शैल वी स्टार्ट गाइस, क्या हम लोग ये लाइव सेशन अब शुरू कर सकते हैं? आप बस इतना जवाब दे दो कि ऑडियो और वीडियो सिंक्रनाइज है कि नहीं, ऑडियो और वीडियो सिंक्रनाइज है कि नहीं। इज एवरीथिंग फाइन? सब कुछ सही है? चलो अपना टाइम आएगा, डोंट वरी। सो चलो फटाफट से हम लोग आगे चलते हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस चेक कर लिया था, और हमने ये देखा था कि जो एड्सॉर्प्शन फिनोमिना है वो क्या होता है, वो एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। मुझे किसी एक बच्चे ने सवाल पूछा था, उसको अभी भी क्लियर नहीं है कि हम लोग एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट किसको बोलते हैं। सो मैं एक बार उसको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो ये, लेकिन एक बार मैं और क्लियर कर देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता कि एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट क्या है। तो हमारा पूरा चैप्टर है एक्चुअली सरफेस केमिस्ट्री फोकस करना भाई, हमारा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग सरफेस फिनोमिनास को डील करते हैं, और सरफेस फिनोमिना है हमारे पास एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है। एड्सॉर्प्शन में एक सब्सटेंस होगा जो कि एड्सॉर्ब करेगा, दूसरा सब्सटेंस होगा जो भी एब्सॉर्ब होगा। मतलब ये सॉल्यूशन के जैसा ही होता है। सॉल्यूशन कैसे बनता है आप जरा सोचो, सॉल्यूशन में एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है, जो कि सॉल्यूट को अपने अंदर शामिल करेगा, सही है। तो सॉल्यूट घुलता है और सॉल्वेंट घोलता है। इसी तरह से एड्सॉर्प्शन फिनोमिना में हमारे पास एक होता है एड्सॉर्बेंट, यहां लिखो, एक होता है एड्सॉर्बेंट, ठीक है। एड्सॉर्बेंट का आप कंपैरिजन किससे कर सकते हो? सॉल्वेंट से। देखो आप राइम मैच करेगा, एड्सॉर्बेंट सॉल्वेंट। और एक होता है एड्सॉर्बेट, क्या होता है एड्सॉर्बेट, इसको आप कंपैरिजन कर सकते हो किससे? सॉल्यूट से। बस इतनी सी कहानी है और कुछ भी नहीं है। एक मुझे मेल मिला था, एक मेल रिसीव हुआ था, तो उन्होंने कहा कि एक बार दोबारा बता देना, तो मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं। सरफेस केमिस्ट्री एड्सॉर्प्शन फिनोमिना से डील करेगा। एड्सॉर्प्शन फिनोमिना में आपको दो सब्सटेंस देखने को मिलेंगे, एक जो वो सोखेगा अपनी सरफेस पर, चीजों को सोखेगा, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट, बी है ये बेंट, और उसको हम लोग सॉल्वेंट से कंपेयर कर सकते हैं। एक वो जो खुद सूखेगा जाके, मतलब एड्सॉर्ब होगा, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट, यानी कि सॉल्यूट। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम लिखो, What is the combined process of adsorption and absorption? अगर किसी एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में कंबाइन प्रोसेस हो रहा है, वहां पे एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्सॉर्प्शन भी हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको फटाफट से देखो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इसका टॉपिक का नाम, लिखो व्हाट इज द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। अगर किसी प्रोसेस में एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों हो रहा हो, तो गाइज एक्चुअली उसको हम लोग बोलते हैं जॉप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड जॉप्शन। ये ध्यान दो, हम उसमें से एब और एड दोनों निकाल देते हैं और फाइनली बचता है जॉप्शन। तो यहां पर ध्यान से देखना, कई बार ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जहां पर एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दोनों होते हैं, जिनको हम लोग जॉप्शन के नाम से जानते हैं। दी प्रोसेसेस इन विच एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड जॉप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान रखना। बल्क का मतलब भी पूछा था किसी ने, बल्क का मतलब होता है बहुत सारा। आ गया समझ में? तो अभी हमें जॉप्शन समझ में आ गया। अभी मैं आपको यह बताता हूं कि जॉप्शन आपको किधर देखने को मिलता है। ये देखो, डाइनिंग ऑफ फैब्रिक, जब आप फैब्रिक की डाइनिंग करते हो, ठीक है, डाइंग ऑफ फैब्रिक, जब आप फैब्रिक की डाइंग करते हो, डाई करते हो ना, आपने कभी देखा होगा, आपकी मम्मा कभी देखा हो तो व्हाइट दुपट्टा लेके उसको कलर करवाने को देती है, देखा होगा कभी आपने।
तो वो कलर करवाने को जब वो देती है तो वो कहती है इसको रेड कर दो। कभी देखा होगा पुराने जमाने में होता था, आजकल तो सीधे खरीदने लग गए। पर जो डाई करते हैं हम लोग फैब्रिक को, वो उसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है और एडजॉर्प्शन भी, कलर पूरा वो सोख भी लेता है और सरफेस पे भी दिखता है। इसको कंबाइन में से हम लोग जॉर्प्शन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबको समझ में आ गया कि जॉर्प्शन का मतलब क्या है? द फिनोमिना इन विच एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली इज कोल्ड जॉर्प्शन। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना। जिसका एक एग्जांपल मैंने यहां पर दे दिया, डाइंग ऑफ फैब्रिक। ठीक है, अब मजे की बात, अगर आपने रिमूव कर दिया ऐसा सब्सटेंस जो सरफेस पे ऑलरेडी एडजॉर्ब हो चुका था, उसे अगर आपने रिमूव कर दिया, मींस द रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। ध्यान देना, डिजॉर्प्शन। कोई पूछे कि डिजॉर्प्शन क्या होता है, भाई डिजॉर्प्शन इज अपोजिट टू एडजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन इज अपोजिट टू एडजॉर्प्शन, मतलब अगर आपने कोई चीज सरफेस पर पूरी तरह से आ चुकी है, उसको आपने वापस से निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स, एडजॉर्ब मॉलिक्यूल अगर आप बाहर निकाल लो सरफेस से, तो इसका मतलब उसको डिजॉर्प्शन कहते हैं। बच्चों बहुत सिंपल है, मान लो कि ये सरफेस है, ठीक है, अब इस पे ये एक्सटर्नल पार्टिकल आके मान लो चिपक गया सरफेस पे, चिपक गया। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। इसमें इस केस में ये वाला क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेंट। और ये जो आके चिपक रहा है वो क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेट। तो ये तो हो गया हमारे पास एडजॉर्प्शन। पर अगर आपने किसी तरह से वापस एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट को अलग कर दिया, इस फिनोमिना को डिजॉर्प्शन कहते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। बच्चों तो बहुत आसान है, ध्यान रखना कि अगर सरफेस से आपने अगर वापस से रिमूवल कर दिया तो यहां पर उसको डिजॉर्प्शन कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे। यहां पर हम लोग अब पढ़ने वाले हैं क्या, कितने तरह का होता है एडजॉर्प्शन। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, तो वो दो तरह का होता है। सब लोग फोकस करो, व्हाट आर द टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, तो वो दो तरह का होता है। एक होता है फिजीज ऑप्शन, जो आज टॉपिक में भी लिखा हुआ है। एक होता है केमीज ऑप्शन, ध्यान से सुनना उसको। एक होता है फिजीज ऑप्शन, एक होता है केमीज ऑप्शन। अब फिजीज ऑप्शन और केमीज ऑप्शन में क्या फर्क है उसको ध्यान से समझो, वैसे तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है। केमीज ऑप्शन में केमिकल रिएक्शंस होंगी और एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनेंगे। फिजिस ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पर दो मॉलिक्यूल के बीच में सिर्फ वेंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये नाम से भी मालूम पड़ रहा है, बट आपको मैं डिटेल में कराऊंगा। टॉपिक का नाम लिखिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, दो तरह के होते हैं, एक तो फिजिस ऑप्शन, एक होता है केमिज ऑप्शन। और आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा ना, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि बताओ कौन सा बॉन्ड हैवी होता है, वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैवी होते हैं, वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैवी होते हैं, या फिर कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड हैवी होते हैं, बताइए, या फिर कोवलेंट बॉन्ड हैवी होते हैं, मतलब समझिए कि कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैवी होता है। हैवी मतलब वी कैन से ज्यादा एक दूसरे को, दो मॉलिक्यूल्स को, दो एटम को आपस में पकड़ के रखता है। कौन सा वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, अदर वर्ड्स में बोलूं कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। ऑब्वियसली सबको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो सबको पता है ना, सबको समझ में आया। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा कि कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं या फिर वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमको सबको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमको सबको पता है वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं, फिजिस ऑप्शन में आपको वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, जबकि आपको केमीज ऑप्शन में कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो इसका मतलब केमीज ऑप्शन, और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो इसका मतलब फिजिस ऑप्शन होगा। इट्स रियली वेरी सिंपल। केमीज ऑप्शन जो होता है, केमीज ऑप्शन में केमिकल बॉन्ड बनेंगे और केमिकल बॉन्ड का टेंडेंसी कैसा होगा, कोवलेंट बॉन्ड के जैसा। और फिजिस ऑप्शन में वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वहां पर आके सिर्फ सरफेस पर चिपकता है। फिजिस ऑप्शन का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, पानी जो है फाइनली अगर किसी सरफेस पर चिपका, बाद में आप उसको अलग भी कर सकते हो, वहां पर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होते हैं। समझ में आ गया? बट देर आर सम केमिकल रिएक्शन जिसमें एब्जॉर्बेट और एडजोर्बेंट के बीच में, एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड केमीज ऑप्शन। तो मैं आपको डिटेल में कराता हूं, सब लोग लिखिए यहां पर फटाफट से। तो
तो हमें यह समझना है कि भैया आप फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन होता क्या है उसको डिटेल में करेंगे, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी चेक करेंगे। तो फटाफट से चेक करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप लोग ध्यान से समझना है इस चीज को, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्ड और नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप एक्चुअली एडसॉर्प्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट, एडसॉर्प्शन कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। ठीक है, दो तरह के हो सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ये कैसे हो सकता है, मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो, ऐसा भाई के जैसा, मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जो दिखने में ऐसा कर रहा हो लेकिन उसके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स तो लटक रहे हैं, मतलब वीक हो। ठीक है, मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लाइक दिस। सही है, सो मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो सकता है, मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है इसका मतलब फिजिक्स ऑप्शन हुआ है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब केमिस्ट्री ऑप्शन हुआ है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। अगर यहां पर एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वहां पर फिजिक्स ऑप्शन हुआ है, और अगर एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट के बीच में यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई है तो उसको केमिस ऑप्शन कहेंगे। सिंपल सा तरीका है इसको समझने का, एक तरफ हमारे पास बाबा खली है और दूसरी तरफ हमारे पास एक पतला सा बंदा है, कोई भी ले लो। ठीक है, तो खली के सामने तो मैं भी पतला ही हुआ, तो अगर वीक है, ठीक है, वीक है तो फिजिक्स ऑप्शन और स्ट्रॉन्ग है तो केमिस्ट्री ऑप्शन, सिंपल सी बात है। तो अब इसको और डिटेलिंग करते हैं, जरा ध्यान से इसको चेक कर लो फटाफट से। तो इसका मतलब टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन डिपेंड करता है एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो फिजिक्स ऑप्शन कहलाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके दोनों के बीच में यानी कि कोवलेंट केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, यहां पर क्या कहलाएगा, केमिस ऑप्शन। और एक्चुअल में इस चीज को बताने वाला कौन था, लैंगमुइर। एक्चुअली यहां पर इस चीज को डिस्कवर करने वाला कौन था, अमेरिकन अमेरिकन केमिस्ट था जिसको हम लोग लैंगमुइर के नाम से जानते हैं, जिसने अपना एक आइसोथर्म भी दिया था विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपको वो ध्यान से देखना है कि भैया अब यहां पर जो चीजें आने वाली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो फाइनली हमने ये समझ लिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो सकता है जिसको हम लोग वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, इट मे बी स्ट्रॉन्ग जिसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और एक्चुअली यहां पर अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हमारे पास फिजिकल एडसॉर्प्शन होगा जिसको फिजिक्स ऑप्शन बोलते हैं, और अगर हमारे पास यहां पर कोवलेंट बॉन्ड बन रहे तो केमिस्ट्री ऑप्शन होगा, केमिकल एडसॉर्प्शन जिसको हम लोग केमिस्ट्री ऑप्शन भी कहते हैं। तो एक्चुअली ये एडिटिव नाम है और कुछ भी नहीं है, फिजिकल एडसॉर्प्शन मतलब फिजिक्स ऑप्शन, केमिकल एडसॉर्प्शन मतलब केमिस ऑप्शन, खत्म हो गई बात। अब हमें क्या देखना है, फाइनली यहां पर डिफरेंस चेक करने हैं। सब लोग लिखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस ऑप्शन, हमें यहां पर फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस ऑप्शन के बीच में डिफरेंसेस को चेक करना है। टॉपिक का नाम लिखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस ऑप्शन, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने से पहले बच्चों आप लोग नोट डाउन करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप लोग याद करो कि ये जो फिनोमिना होता है जिसमें एक सरफेस पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके स्टिक होता है, तो एक्चुअली अगर स्टिक हो रहा है तो दैट मींस इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से यहां से एक एनर्जी रिलीज होगा, समझ में आता है, एनर्जी रिलीज होगा जिससे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, इसीलिए तो एडसॉर्प्शन होता है। और हमें पता है कि एडसॉर्प्शन फिनोमिना एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज होती है, वी ऑल नो, ये सब चीजें हम लोग जानते हैं, क्लियर हो गया, ये चीज आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। अब ध्यान दो, अब ध्यान देना, अभी दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे, अब ध्यान दो, उससे पहले नोट डाउन करो हीट ऑफ एडसॉर्प्शन क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। मैं आपसे अगर कहूं कि किसी एडसॉर्बेंट के, ध्यान से सुनना, दिस इज एडसॉर्बेंट, किसी एडसॉर्बेंट के सरफेस पर अगर एक मोल एडसॉर्बेट, बहुत सिंपल है, एक मोल एडसॉर्बेट आके एडसॉर्ब हो जाए, दोबारा सुनना, किसी एडसॉर्बेंट के सरफेस पर अगर एक मोल एडसॉर्बेट आके क्या हो जाए, एडसॉर्ब हो जाए, तो उस केस में जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। इट्स वेरी इजी, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन, ये बहुत आसान है, इट्स रियली वेरी इजी। दोबारा समझाओ तो सीधे शब्द बहुत ही क्लियर है, इट इज वेरी सिंपल। हीट ऑफ एडसॉर्प्शन का मतलब जब एक मोल एडसॉर्बेट
किसी भी एड्सोर्बेंट पे एड्सोर्ब हो जाता है तो उस केस में जितनी एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है एक्चुअली दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। इट्स रियली वेरी इजी, ये बहुत आसान है, सबको क्लियर हो गया। सो ये मतलब निकलता है इसका। अब हम चलते हैं आगे, विल फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन फिजिस ऑप्शन एंड केमिस ऑप्शन। हम लोग यहां पर फिजिस ऑप्शन और केमिस ऑप्शन के बीच में डिफरेंसेस को चेक कर रहे हैं। सब लोग लिखिए द डिफरेंस बिटवीन फिजिस ऑप्शन एंड केमिस ऑप्शन गाइज। तो यहां पर टेबल आपके सामने, एक एक चीज को मैं यहां पर स्पेसिफिकली समझाऊंगा, बहुत ध्यान से उसको चेक करना। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिस ऑप्शन एंड केमिस ऑप्शन, लिखो अपनी कॉपी के अंदर फटाफट से, ठीक है। ध्यान से देखो डिफरेंस बिटवीन फिजिस ऑप्शन एंड केमिस ऑप्शन, एक एक चीज को समझा रहा हूं, ध्यान से उसको चेक करना, इस पे से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला डिफरेंस चेक करो, द मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू द सरफेस सिंपली बाय वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि फिजिस ऑप्शन एक्चुअली क्या होता है, ये एक वीक अट्रैक्शन होता है एड्सोर्बेंट और एड्सोर्बेंट के बीच में, सिर्फ आगे चिपक रहा है, थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? एक्चुअली इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बस इतना ही है, विच इज वेरी वीक इन नेचर। तो यहां पर वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं इन द केस ऑफ फिजिस ऑप्शन। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहां पर वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस नंबर वन बिटवीन द फिजिस ऑप्शन एंड केमिस ऑप्शन। बिकॉज केमिस ऑप्शन के अंदर बच्चों डिफरेंस क्या होता है, यहां पर वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जबकि यहां पर केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं लाइक कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहां पर केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं लाइक कोवेलेंट बॉन्ड्स, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस ऑप्शन में मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा कि यहां पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, स्पेशली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं दैट इज कॉल्ड केमिस ऑप्शन। एंड वी ऑल नो दैट केमिस ऑप्शन एक्चुअली जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं दीज आर स्ट्रॉन्गर देन वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब दूसरे पर चलते हैं, सेकंड, इट इज रिलेटिवली वीक, ऑब्वियसली वीक होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा वीक है। As compared to केमिस option, it is relatively strong. क्यों? क्योंकि यहां पर covalent bond बनेंगे, chemical bonds are really very strong as compared to van der Waals force of attraction. We all know it's very simple. जो second difference है, I think वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर second difference इन दोनों के बीच में क्या है। अब जो third difference है वो भी बहुत special है। जो third difference है वो आप जरा दिमाग लगाओ। कम force of attraction means कम energy release होगी, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सिंपल सी बात है भाई, इन दोनों के बीच में सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होगी, और अगर बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मतलब बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में तो यहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इट्स वेरी सिंपल। तो यहां पर जरा ध्यान से इसको देखो, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिव होता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उसको जरा ध्यान से आप चेक कर लेना। नाउ लुक एट इट थर्ड, द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो, और उसकी वैल्यू कितनी है फिजिस ऑप्शन के अंदर, ओनली 20-40 किलो जूल पर मोल, इससे ज्यादा नहीं है। द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज 20-40 किलो जूल पर मोल, दैट्स इट। बट एज कंपेयर टू दिस, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, यहां पर 40-200 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि इसका मतलब यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। सो यहां पर कम है एनर्जी रिलीज, यहां पर ज्यादा है एनर्जी रिलीज, ये आपको ध्यान से देखना है, ये फोकस करना है। नाउ दिस थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर हो गया, दिस थिंग इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको ध्यान रखना है कि इस केस में कम एनर्जी रिलीज होती है जबकि इस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब देखो आगे, नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहां पर हो गया, तीसरा डिफरेंस हमने चेक कर लिया। अब मजे की बात, अगर हम फिजिस ऑप्शन की बात करें तो फिजिस ऑप्शन रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब समझिए कि मान लो कि इसके और इस मॉलिक्यूल के बीच में सिर्फ फिजिस ऑप्शन है तो आप इसको दोनों को एड्सोर्बेंट और एड्सोर्बेट को अलग कर सकते हो। इट्स वेरी इजी, ये रिवर्सिबल है, आके चिपक भी सकता है और निकाला भी जा सकता है। क्लियर हो गया, आके चिपक भी सकता है और इसको आप अलग भी कर सकते हो, ठीक है, इसका मतलब ये रिवर्सिबल होता है। लेकिन केमिस ऑप्शन, केमिस ऑप्शन में जो दो मॉलिक्यूल आपस में चिपके हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बन चुके हैं, बाद में उनको अलग करना बहुत मुश्किल है, मतलब सेम फॉर्म में तो वो बाहर नहीं निकल सकते। सो दिस इज डिफरेंस नंबर फोर कि ये इरिवर्सिबल होता है जबकि ये रिवर्सिबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिस ऑप्शन इज इरिवर्सिबल, फिजिस ऑप्शन इज रिवर्सिबल एंड केमिस ऑप्शन इज इरिवर्सिबल, मतलब आपने जो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं केमिस ऑप्शन के केस में जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बन चुके हैं तो फाइनली उसी फॉर्म में वो दोनों अलग नहीं हो सकते। इसके एग्जांपल मैं आपको दूंगा, बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल है, बहुत ध्यान से इसको चेक करना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भी है,
तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। तो यहां पर हमने फोर्थ डिफरेंस कर लिया फिजिस ऑप्शन केमिस ऑप्शन में। फिजिस ऑप्शन एक्चुअली रिवर्सिबल होता है जबकि केमिस ऑप्शन एक्चुअली इरिवर्सिबल होता है। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। पांचवा पॉइंट चेक करो, फिफ्थ पॉइंट क्या है। पांचवा पॉइंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। यहां पर देखो, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी लेयर। फिजिस ऑप्शन एक्चुअली मल्टी लेयर्स बना सकता है सरफेस पर, ठीक है। ये भी अगेन इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा, अगर आपने पानी को लकड़ी के टुकड़े पर सूखते देखा है तो वो सरफेस पर नीचे तक होता है, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी और तीसरी मल्टी लेयर बना सकता है। ये देखिए, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, इस तरह से फिजिस ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन केमिस ऑप्शन में मल्टी लेयर नहीं बनती है, मोनो लेयर बनती है, सिर्फ एक लेयर बनती है। एक बार सरफेस कवर हो गया मतलब केमिस ऑप्शन वहीं खत्म। फिजिस ऑप्शन में फिर भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पर लेयर टू लेयर एक्चुअली वहां पर एड्सॉर्प्शन पॉसिबल होता है। सो दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पांचवा पॉइंट पे आप गौर करो। वी हैव फाइव पॉइंट्स इन दिस स्लाइड कि भैया फिजिस ऑप्शन और केमिस ऑप्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो फिजिस ऑप्शन में मल्टी लेयर बन सकती है, ठीक है, यानी कि एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट पर मल्टी लेयर में एड्सॉर्ब हो सकता है। लेकिन केमिस ऑप्शन के केस में ऐसा नहीं होता। यहां पर एक लेयर बनेगा, उसके बाद अगर सरफेस खत्म तो उसके बाद कोई सेकेंड लेयर नहीं बनने वाला है। That's how we can conclude or we can differentiate between the physis option and chemis option. सबको समझ में आता है। हम लोग physis option और chemis option में इस तरह से differences को create कर सकते हैं। मैं यहां से side में हो जाता हूं, आप इसका screenshot ले लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। कुछ और यहां पर बाकी हैं। screenshot ले लो फटाफट से। Take a screenshot. 1, 2, 3, 4, 5 तो फाइनली यहां पे आपने आई थिंक फिजिस ऑप्शन और केमिस ऑप्शन में जो फर्स्ट लाइट थी उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे। इसके आगे भी डिफरेंसेस बाकी हैं, खत्म नहीं हुए हैं। अब आ जाओ सबसे पहले फिजिस ऑप्शन में। जो अगला डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पांच के बाद छठा डिफरेंस है। एक्चुअली फिजिस ऑप्शन स्पेसिफिक नहीं है, बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है। क्लियर होता है। फिजिस ऑप्शन को आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो कि जो पानी एक्चुअली पानी कंडेंस हो जाता है, अगर पानी का एड्सॉर्प्शन हो रहा है सरफेस पे तो पानी किसी के भी सरफेस पे एड्सॉर्ब हो सकता है, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है। बाद में हीट दोगे तो वो अलग भी हो सकता है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब फिजिस ऑप्शन एक्चुअली स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होता, उसको सरफेस मिलना चाहिए, वो चिपक जाएगा। बात समझ में आता है। तो किसी भी सरफेस पर चिपक सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये नेचर में स्पेसिफिक नहीं होता, कोई भी सरफेस मिलेगा चिपक जाएगा। लेकिन केमिस ऑप्शन ऐसा नहीं होता। केमिस ऑप्शन इज एक्चुअली अ स्पेसिफिक फिनोमिना। इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, अकर्स ओनली व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ कॉमिकल फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट। केमिस ऑप्शन सिर्फ तभी होता है जब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में पॉसिबिलिटी हो, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में पॉसिबिलिटी हो बॉन्ड फॉर्मेशन की, तभी होगा, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। सबको ध्यान आया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ध्यान से समझ लेना। फिजिस ऑप्शन स्पेसिफिक नहीं होता जबकि केमिस ऑप्शन यहां पर स्पेसिफिक होता है। ये तभी होगा जब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं होगा। इट्स रियली वेरी स्पेसिफिक। फिजिस ऑप्शन और केमिस ऑप्शन में ये डिफरेंस है, ठीक है। अब अपन आते हैं भैया नेक्स्ट पर। नाउ अब आ जाओ अगला डिफरेंस क्या। नाउ इट अकर्स, ऑब्वियसली आप खुद से सोचो, पानी अगर एड्सॉर्ब हो रहा है तो सरफेस पर, ठीक है, ये लो टेम्परेचर पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। कंडेंस तो नहीं होगा अदरवाइज पानी, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो। इसका मतलब फिजिस ऑप्शन आपको लो टेम्परेचर पर देखने को मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल। इट अकर्स एप्लीकेबली only at lower temperature. The extent of adsorption decreases if the temperature increases. Really very simple. It's really very important. कि भैया यहां पर low temperature पर physis option होता है, लेकिन अगर chemis option की बात करो तो वो बहुत ही special है. It occurs at all temperature. बच्चों chemicals option, chemical adsorption कितने भी temperature पर हो सकता है. physis option जो है वो low temperature पर होता है, लेकिन chemis option actually कोई भी टेम्परेचर पर कराओ केमिस ऑप्शन पॉसिबल है। इवन इनफैक्ट इन लोअर टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर केमिस ऑप्शन पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन है। एक्टिवेशन एनर्जी जिस वक्त क्रॉस कर ली उसके बाद डेफिनेटली आपको मालूम ही होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो हर तरह के टेम्परेचर पर यह पॉसिबिलिटी बनती है केमिस ऑप्शन की। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हमने फिजिस ऑप्शन और केमिस ऑप्शन के बीच में डिफरेंसेस को कंप्लीट कर लिया। मैं साइड में हो जाता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेक अ स्क्रीनशॉट। 1, 2, 3 टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों।
सो फाइनली यहां पर हमने फिजिस ऑप्शन और केमिस ऑप्शन के बीच में डिफरेंस को चेक कर लिया। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं फटाफट से। एग्जांपल खतरनाक है। एग्जांपल ऑफ फिजिस ऑप्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं एडसॉर्प्शन का, आप सबको पता होगा कि जो चारकोल होता है, चारकोल क्या करता है, चारकोल गैसेस को अपनी सरफेस पे एडसॉर्ब कर लेता है। एक्चुअली दैट इज द फिजिस ऑप्शन फिनोमेना। जो चारकोल होता है वो गैसेस को अपने सरफेस पे एडसॉर्ब कर लेता है। दैट इज एक्चुअली क्या होता है, दैट इज द एडसॉर्प्शन, फिजिस ऑप्शन फिनोमेना। इसलिए आप लोगों को पता होगा जो मास्क इस तरह से हम लोग यूज करते हैं उसमें चारकोल होता है। ये पता होना चाहिए आपको, ये जो मास्क ये यूज किया जाता है स्पेशली माइंस में, उसके अंदर यहां चारकोल होता है। तो माइंस में आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड एयर होती है, तो जब वो पॉल्यूटेड एयर इसमें से जाएगी तो जो चारकोल जो अंदर है वो क्या करेगा, गैसेस को सोख लेगा। ठीक है, जो हैवी गैसेस होती है उनको सोख लेगा। तो वहां पर आपकी जो एयर होती है वो पॉल्यूटेड एयर वो साफ हो जाती है और ऑक्सीजन आपको मिलती है। चारकोल का मतलब वी कैन से कंपेयर विद कार्बन, कोल नहीं देखा, कार्बन, उसी की बात हो रही है। सो फाइनली दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ फिजिस ऑप्शन। वहां पर अपनी सरफेस पर सोखता है, बस वो फिजिस ऑप्शन है, वो उनके साथ कुछ बॉन्ड नहीं बना रहा होता है। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, क्लियर होता है। अब ये थे फिजिस ऑप्शन के एग्जांपल। अब हम लोग देखेंगे किसके एग्जांपल, हम लोग यहां पर केमिस ऑप्शन के एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ केमिस ऑप्शन पे गौर करो। सबसे पहले ऑक्सीजन ऑन, देखो केमिस ऑप्शन के एग्जांपल, जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है किससे, सिल्वर से, गोल्ड से, प्लेटिनम से। हमको पता होना चाहिए कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये तीनों के तीनों नोबेल मेटल हैं। जब ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करती है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन क्या करता है, अपर लेयर बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है एक्चुअली इनके साथ में। तो ऑक्साइड बनाया तो कैसे बनाया, वहां पर केमिकल बॉन्ड बने हैं, फिजिस ऑप्शन तो नहीं है। ऑक्सीजन सिर्फ सरफेस पर थोड़ी चिपकी है, उसने क्या किया है, सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम के साथ केमिस ऑप्शन किया है, केमिकल बॉन्ड बनाया। दीज आर वेरी सिंपल एग्जांपल्स। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए, जब आप हाइड्रोजनेशन कराते हो निकल की प्रेजेंस में तो उस केस में भी एडसॉर्प्शन केमिस ऑप्शन है। उस केस में भी हाइड्रोजन निकल की सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट जब हाइड्रोजन यहां पर सरफेस पर चिपकता है तो। बट मजे की बात आपको मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। देखो, व्हेन एटॉमिक ऑक्सीजन इज एडसॉर्ब ऑन द ग्रेफाइट सरफेस। ग्रेफाइट क्या होता है जो बताओ, ग्रेफाइट कार्बन का एक फोम है। मजे की बात देखो, जब आप कार्बन का एक फोम है तो कार्बन पे जब आप ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो होती है बेसिकली, ठीक है, जब ये एटॉमिक ऑक्सीजन, उसको लिखने का तरीका ये लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है, एडसॉर्ब जब होती है ना ग्रेफाइट की सरफेस पर तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा फोकस करो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि एक्चुअली जब ऑक्सीजन ग्रेफाइट की सरफेस पे एडसॉर्ब होती है तो बेसिकली वो क्या बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मजे की बात यह है कि जब आप उस पर्टिकुलर ग्रेफाइट की लेयर से अगर आप उस गैस को वापस निकालना चाहो तो आप क्या करो, वहां पर कुछ ना कुछ फिजिकल फिनोमिना आप करोगे उसके साथ जिससे वो दोनों अलग अलग हो जाए, एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट अलग हो जाए। आप जब ये काम करोगे तो मजे की बात ये है कि वहां पर ऑक्सीजन अलग नहीं होगा कार्बन से, वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगा। बहुत बढ़िया बात है। मैं दोबारा जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं जरा उसको समझना, मैं बहुत सिंपली तरीके से ये बोल रहा हूं कि जब ग्रेफाइट आप नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हो तो वहां से वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती है और ये केमिस ऑप्शन हुआ है। एक्चुअली कार्बन की सरफेस पर, ग्रेफाइट की सरफेस पे ऑक्सीजन आया, उस ऑक्सीजन ने ग्रेफाइट से रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद उसने कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म की। समझ में आता है? तो अब आपको पता लग गया कि ये ग्रेफाइट है, ठीक है, ये ग्रेफाइट है और इस ग्रेफाइट की सरफेस पर यहां पर क्या है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन आया तो उसने कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, तो सरफेस पर अब कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब अगर आपने किसी फिजिकल मीन से इन दोनों को अलग किया तो यहां से ग्रेफाइट अलग हो जाएगा, ठीक है, ग्रेफाइट अलग हो जाएगा, लेकिन यहां से ऑक्सीजन अलग नहीं होगी, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगा। मतलब ग्रेफाइट से एक्चुअली सरफेस का कार्बन यहां से गायब हो चुका है जिसने ऑक्सीजन से रिएक्ट की थी। अब आप खुद ही देखो, इसीलिए कहते हैं कि फिजिकल फिनोमेना से ये इरिवर्सिबल है, अब वापस ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है जिसको आपको नोट डाउन करना है कि ग्रेफाइट अगर ऑक्सीजन को आया तो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन आया सरफेस पर, लेकिन इस कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट करके क्या बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगर आप इन दोनों को अलग करोगे तो यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड और ग्रेफाइट अलग होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। बच्चों, नाउ दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, ऑक्सीजन यहां से अलग नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि ये जो केमिस ऑप्शन होते हैं बेसिकली दीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर,
इनिशियली जो आप लेके चले थे, फाइनली आपको अगर आप उनको अलग करने जाओगे तो वो चीजें नहीं मिलेंगी जो आपने इनिशियली ली थी। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनिशियली क्या था? इनिशियली हमारे पास कार्बन था और ऑक्सीजन थी। फाइनली क्या है? फाइनली कार्बन तो है लेकिन यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इसको नोट डाउन करेंगे सब लोग, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, व्हेन एटॉमिक ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब ऑन द ग्रेफाइट सरफेस कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। बट जब आप इनको अलग करने जाओगे, व्हेन हीटिंग द सरफेस आफ्टर एडसॉर्प्शन कार्बन मोनोऑक्साइड इज रीडिसॉर्ब, वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलता है, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग कैमिसॉर्प्शन एज इररिवर्सिबल प्रोसेस। दिस इज इररिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि जो आपने इनिशियली लिया था फाइनली वैसा कुछ है ही नहीं। सो दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दैट। फाइनली अब हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, और अब जो कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप चाहो तो पिछली वाली स्लाइड का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4। तो फाइनली फिजिस ऑप्शन और केमिस ऑप्शन तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? अगला टॉपिक है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक्चुअली एड्सॉर्प्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं? तो यहां पर फैक्टर देखो, सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, ठीक है? तो यहां ध्यान से देखो, एक्चुअली एड्सॉर्प्शन के केस में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एड्सॉर्बेट और दूसरा होता है एड्सॉर्बेंट। वी ऑल नो एड्सॉर्बेट का मतलब सॉल्यूट, एड्सॉर्बेंट का मतलब सॉल्वेंट, ठीक है? अब इनको कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करेंगे, तो यहां पर पहला फैक्टर है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। एक्चुअली जो सोखने वाला है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही बात है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा और कैसे इफेक्ट करता है वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो। पहले हम लोग फैक्टर देख लेते हैं। पहला हो गया नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, दूसरा हो गया नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट ऑब्वियसली, तीसरा हो गया टेम्परेचर, और एक्चुअली जो थर्ड फैक्टर है विच इज वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, जो तीसरा फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है टेम्परेचर। इस पर तो सारी आइसोथर्म लिखी हुई है, यहीं पे आपको मजा आएगा एक्चुअली, और ये फैक्टर हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, टेम्परेचर एट द सेम टाइम ये वाला फैक्टर प्रेशर। ध्यान दो, यहां पर ये जो नीचे वाली जो आइसोथर्म लिखी हुई है वो तो प्रेशर पर है, ठीक है, और साथ में टेम्परेचर पर भी है कुछ चीजें एक्चुअली जो कि काफी ज्यादा काम की है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। यहां पर तो आपको प्रेशर के टर्म पे क्या मिलेगा? आइसोथर्म्स, ठीक है, फ्रुंडलिच का आइसोथर्म, लैंगम्यूर का आइसोथर्म, वो प्रेशर के टर्म पे लिखा गया है और उनको हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं। आइसोथर्म का मतलब क्या होता है कि वहां पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। तो आपको जो आइसोथर्म देखने को मिलेंगी जैसे कि फ्रुडलिच और लैंगम्यूर की, वो तो होंगी प्रेशर के टर्म में, और टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आपको देखना है। तो ये चार फैक्टर आप नोट डाउन करो कि ये चार फैक्टर है, और एक्चुअली यहां पर अगर हमने ये खत्म कर लिया तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि आप 60% चैप्टर यहां पे खत्म हो जाएगा। तो यहां पर फोकस करो कि वी हैव अ फोर फैक्टर्स एक्चुअली इन फैक्टर्स, ये जो फैक्टर है वो सीधे सीधे एड्सॉर्प्शन फिनोमेना को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ये चार फैक्टर हैं जो कि एड्सॉर्प्शन फिनोमेना को अफेक्ट करते हैं। नाउ दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करो, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, सेकंड फैक्टर इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, थर्ड फैक्टर इज प्रेशर, एंड फोर्थ फैक्टर इज टेम्परेचर। अब इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करो, एक एक को हम लोग आगे लेंगे। तो अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले तो फटाफट से सिंपल वाले खत्म कर लेते हैं, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। आप सब लोगों को पता होगा, देखो थियोरेटिकल चैप्टर है, ध्यान से समझना, सही में बहुत आसान है, ठीक है, उसको ध्यान देना। तो अब देखो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान दो। एक्चुअली एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एड्सॉर्प्शन उतनी ज्यादा होगी, हम सबको पता है, यस और नो? एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एड्सॉर्प्शन उतनी ज्यादा होगी, वी ऑल नो, सबको समझ में आ गया। इसका मतलब जो एड्सॉर्प्शन होता है वो एड्सॉर्बेंट के सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। इसका मतलब यह है कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा आप सरफेस प्रोवाइड करोगे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा मिल रहा है। इस एग्जांपल को आप कैसे समझ सकते हो, इस एग्जांपल को समझ सकते हो इससे, देखो आपके पास एक बकेट में पानी है, सपोज एक बकेट में पानी है, ठीक है, ये पानी है, और इतना ही पानी अगर मैं फर्श पे फैला दूं, यही पानी है जो कि मैंने फर्श पे फैला दिया,
और यहां से सनरेज आ रही हैं, चेक करना, यहां से सनरेज आ रही हैं। आप लोग बताओ कि इन दोनों में से वेपराइजेशन किसका सबसे ज्यादा होगा, पहले होगा। ऑब्वियसली फर्श पे गिरे हुए पानी का वेपराइजेशन आसानी से होगा एज कंपेयर टू बकेट पे पड़ा हुआ पानी। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सरफेस पे जो आपके पास वाटर है उसका सरफेस एरिया बहुत कम है, नीचे वाला पानी तो अवेलेबल ही नहीं है, तो इसका मतलब इसको वेपराइज होने में काफी टाइम लगेगा। एज कंपेयर टू दिस, इसमें तो सारा पानी फैला हुआ है, यहां सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा मतलब रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे यहां पर चारकोल लिया तो चारकोल को सॉलिड फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में नहीं रखते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। तो आप पाउडर फॉर्म में रखोगे तो डेफिनेटली यहां पर एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, क्योंकि पाउडर फॉर्म में एक एक टुकड़ा, यहां से छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं और पार्टिकल्स का सरफेस एरिया फाइनली बढ़ गया है, और पाउडर फॉर्म में फाइनली एड्सॉर्प्शन ज्यादा मिलेगा आपको। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, और मेटलर्जी में भी पढ़ रखा है हमने, मेटलर्जी में भी पढ़ा है कि मेटलर्जी में ओर को, जो ओर आपको मिलती है उसको कभी भी इस फॉर्म में नहीं रखते, हम लोग उसको पाउडर फॉर्म में लाते हैं जिससे एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। ये सबको पता होना चाहिए, इट्स रियली वेरी सिंपल। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो इट्स रियली वेरी सिंपल। तो यहां पर हम लोग याद रखेंगे कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। इसके लिए हम कभी भी यहां पर एड्सॉर्प्शन के लिए जो हमने लिया है एड्सॉर्बेंट, उसको सॉलिड फॉर्म में नहीं लेते, उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में लेते हैं। पहली चीज तो ये, सबको समझ में आ गया? तो यहां पर फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंसेस आर गुड एड्सॉर्बेंट एज दे आर प्रोवाइडेड अ लॉन्गर और लार्जर सरफेस एरिया, हमेशा वो ज्यादा सरफेस एरिया देते हैं, इसलिए यहां पर एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना बहुत अच्छा होता है। तो ये तो हो गया हमारे पास एक फैक्टर। जैसे हम लोग एक और सिंपल सी चीज देखते हैं, एक है हमारे पास स्मूथ सरफेस, किसका, एड्सॉर्बेंट का, और एक एड्सॉर्बेंट का रफ सरफेस है। तो आप हमेशा याद रखो रफ सरफेस पर, खुद से ही दिमाग लगाओ, ये सिंपल सी चीज है, रफ सरफेस पर देखो, नीचे रफ सरफेस पर आपको ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा एज कंपेयर टू स्मूथ, ठीक है। तो इसका मतलब रफ सरफेस पर बहुत अच्छे तरीके से एड्सॉर्प्शन होगा एज कंपेयर टू स्मूथ। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स स्मूथ एरिया में इतने ज्यादा बाहर नहीं है जितने रफ एरिया में बाहर है। अपना मगज लगाओ तो सिंपली समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो आपको काम देनी है, रफ सरफेस प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया, तो इसका मतलब यहां पर एड्सॉर्प्शन फिनोमिना ज्यादा होगा, ठीक है। और मजे की बात, एक होता है चारकोल, एक होता है एक्टिवेटेड चारकोल। अब यहां से भी फर्क पड़ता है। देखो एक्टिवेटेड चारकोल कैसे बनाओगे, आप उसको बर्न करो, बर्न करने से आपको एक्टिवेटेड चारकोल मिलेगा, एक्टिवेटेड चारकोल दैट हैज बीन हीटेड अदरवाइज ट्रीटेड टू इंक्रीज इट्स एड्सॉर्प्शन पावर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चारकोल को सूखा लेते हो और एज कंपेयर टू चारकोल को आप एक्टिवेट करते हो, मतलब हीट करते हो, बर्न करते हो, तो ये वाला ज्यादा एक्टिवेटेड है, ज्यादा सूखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो आपको एक एक एग्जाम्पल क्लियर होना चाहिए कि भैया एड्सॉर्प्शन किधर ज्यादा होता है। रफ में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्मूथ, एक्टिवेटेड चारकोल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू भुजा हुआ चारकोल। समझ में आता है? इसको कैसे समझ सकते हो, आपने कभी देखा सर्दियों में एक तो भुजी हुई राख होती है और एक बिल्कुल अभी राख बनी है उसमें छोटे छोटे से अंगारे हैं। तो राख में जो छोटे छोटे से अंगारे हैं दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड चारकोल। समझ में आ गया? उसमें थोड़ा सा भी आग चिंगारी दोगे तो आग पकड़ लेगा, दैट इज एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये ज्यादा एड्सॉर्प्शन करेगा एज कंपेयर टू चारकोल जो कि बुज गया ड्राई फेज में है, तो उनमें इतना अच्छा एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हो। ये बड़ी कॉमन सी चीज है जो आपने सर्दियों में देखी होगी, बाहर हाथ सेकते हो ना आप लोग, तो मॉम डैड क्या देखते हैं, एक्टिवेटेड में ज्यादा होगा भाई, एक्टिवेटेड चारकोल में ज्यादा होगा क्योंकि उसमें एड्सॉर्प्शन की पावर ज्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना आपको, दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये चीजें बहुत ही कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब अगला जो है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, उसको बच्चों हम लोग अगली बार पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहां पर फिनिश कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी क्लासेस पेंडिंग है, ये रूम थोड़ा बिजी रह रहा है आज, क्योंकि आज मंडे है। अगली बार में हम लोग एड्सॉर्बेट ये वाला पढ़ेंगे और प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है उसको पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तब तक इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लो जितना मैंने पढ़ाया है। और मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूं बच्चों, इफ ये वी आर वर्किंग हार्ड, यू हैव अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दिस वीडियो टू द नीडी स्टूडेंट्स,
मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करो जिनको जरूरत है, दूर तक पहुंचाओ। मैं एक ही बात जानता हूं, मैं रहूं ना रहूं मेरी आवाज दूर तक जानी चाहिए और मेरी आवाज जिंदा रहनी चाहिए, और वो तब जिंदा रहेगी जब आप लोग इसको शेयर करोगे। सो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सरफेस केमिस्ट्री जो है मैं इस वीक में मोस्ट प्रोबली पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। मैं पूरी ट्राई कर रहा हूं और मेरा प्रॉमिस है कि मैं ट्राई बहुत अच्छे तरीके से करूंगा कि ये खत्म हो जाए। बाकी अगर कोई क्वेश्चंस रह गए तो अलग बात है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अगले वीडियो मिलेंगे। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट। अरे गुड नाइट बोल दिया मैंने, चलो फाइनली थैंक यू सो मच, डू वट एवर यू डू वॉन्ट टू डू मैन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू ऑल गाइज, बस चलो ठीक है। और जाते जाते अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, आप सबको पता है कि मुझे लगेगा। तो मैंने कल एक वीडियो डाला था, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, कल मैंने एक वीडियो डाला था और वो मोटिवेशनल वीडियो था, उसको आप ज़रूर देखो अगर आपको बूस्ट होना है तो। बाय गाइज, लव यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।